हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का सुबह देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा नागालैंड का पहाड़ धूप में पूरा खिल के आ रहा है। तो सोचा मैं आप लोगों से दिखा दूँ आप लोगों को, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए व्यू। बहुत अच्छा लग रहा है छत से ही दिखने में। तो आज हम लोग जा रहे हैं जोरहाट। तो देखिए हम लोग जोरहाट पहुँच चुके हैं और एक्चुअली हम लोग आए हैं परी के पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट बनाने देना है। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये पेड़ दिखा दूँ। आजकल तो लोग पेड़ काट देते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा एक पेड़ है, शायद बहुत पुराना है। और यहाँ पर देखिए एटीएम के ऊपर भी एक छोटा मोटा सा एक जंगल टाइप का हो गया है, जो छोटा छोटा पेड़ है। दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो पापा निकल चुके हैं बेटी को लेके पासपोर्ट बनाने, और देखिए मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ये लोग मुझे भूल गए हैं, अब याद आया। टाटा मम्मा, सुंदर करे टाटा दाओ। না না দুলে দুলে না, এখন দুলে দুলে কর না। চলো 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 পা, দুলে দুলে কর না, চল চলো পা, প্রণাম করে চলো। আরে আরে, কোথায় যাচ্ছ তুমি? তুমি জানো কোথায় যাচ্ছ? দেরি করে আসো। ছেলে মেয়ে বলো, সুন্দর করে বলো, এসো আর কি পারো বলো, টিঙ্কল টিঙ্কল বলো। লিটল স্টার, তারপরে দেখ সব উল্টা পাল্টা বলছে। মামা তুমি কোথায় এসেছ বলো? জোরহাট, জোরহাট বলো। পাসপোর্ট आफ्टरनून। सो हम लोग थोड़ा आज जोरहाट गए थे परी का पासपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि वो मेरा पासपोर्ट नहीं था इसलिए उसका रुका हुआ था। तो आज मेरा पासपोर्ट बन चुका है, तो अभी उसका भी बन चुका है, तो उसका वैसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है डॉक्यूमेंट्स का। बस अरिंदम का मेरा पासपोर्ट
मतलब पासपोर्ट जरूर चाहिए था, और फोटो हम लोग का जैसे वहाँ पर खींचते तो बच्चे लोग का नहीं खींचते, शायद 2-3 साल तक नहीं खींचते, क्योंकि वो लोग तो वहाँ पर खींचने नहीं देंगे, और इसलिए उन लोगों का पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना पड़ता है। तो परी का फ़ोटो हम लोगों ने खींच के दिया है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं बच्चे का पासपोर्ट बनाने के लिए, तो ये सब ज़रूरी होता है। और फ़ोटो जो खींचेंगे अगर आप लोग घर में ही खींचे तो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो कि मैं आप लोगों को मतलब क्या बताऊँ, 1 महीने से हम लोग ट्राई किए जा रहे थे उसका फ़ोटो का, वो तो मतलब एक्सप्रेशन दे के रहती है, तो पासपोर्ट का फ़ोटो तो एक्सप्रेशन दे के अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब करीबन 1 महीना, 1 महीना 2 महीना होगा, मतलब पहले भी जो ट्राई किया है, और उसका विंटर वेयर था, अभी तो समर चल रहा है, तो इतना सारा फोटो खींचा उसमें से एक सिर्फ निकला है, मतलब जो देने लायक है, नहीं तो हर किसी में वो ऐसे मतलब ऐसे रिएक्शन देती है ना, वो मतलब एक से बढ़कर एक एक्सप्रेशन देती रहती है। तो बस आ चुकी हूँ, 12 बजे आ गई थी, उससे पहले हो गया था, लेकिन भूख लगी थी। और पता है मैं मतलब अरिंदम के मतलब कान पका दिया था मैंने एकदम, कि मुझे पिज्ज़ा खाना है, पिज्ज़ा खाना है, आज से नहीं 1.5 साल से बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट मैंने खाया था पिज्ज़ा जब परी पैदा हुई थी, उसी उससे पिछला वाला दिन, मतलब आप लोगों ने अगर मेरा हॉस्पिटल वाला ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा तो शायद पता है, अगर नहीं देखा तो आप लोग देखिएगा, मतलब वो एक मतलब यादगार मोमेंट था। और हॉस्पिटल में भी सब लोग मतलब हंस रहे थे हम लोगों को देखे, कि नेक्स्ट डे डिलीवरी है और पिछला दिन हम लोग वो ये खा रहे हैं, पिज्ज़ा ऑर्डर करके खा रहे थे, तो उस दिन खाया था मैंने और फिर आज खाया है। तो वही आते वक्त पिज्ज़ा खा लिया था हम लोगों ने, मुझे पसंद है डोमिनोज का फार्म हाउस, वेज ही मुझे पसंद है, नॉन वेज उतना मुझे खास पसंद नहीं आता पिज्ज़ा में, तो वो खा के आए। तो अभी आके नहाया, परी को नहलाया, परी को लंच कराया है, फिर हम लोग अभी लंच करेंगे, अरिंदम का मीटिंग चल रहा है, तो उनका मीटिंग ख़त्म होने के बाद लंच करूँगी, और फिर थोड़ा सा सोऊँगी क्योंकि आज थोड़ा जल्दी उठी हूँ, 8 बजे उठी हूँ। तो चलिए शुरू क्या करते हूँ, मतलब ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए, मेरे बैटरी भी हो गया फ़ोन का, तो ब्लॉग देखते रहिए क्या क्या होता है, दिखाती रहती हूँ मैं। तो अभी 10:30 बज रहे हैं और सुष्मिता लोग आज आ रहे हैं, सुष्मिता आज मतलब अभी रात के शायद 11:45 बजे पहुंचेगी, भाई और सुष्मिता आ रहे हैं, तो कल मिलाऊंगी मैं आप लोगों से। और अभी मैं थोड़ा सा नहाऊंगी, इतना गर्मी है तो आजकल रोज मैं सोने से पहले एक बार नहा लेती हूँ, तो अभी नहाऊंगी। और बड़ी भी सो रही है, उसके पापा भी सोने जा रहे हैं, तो मैं भी अभी से सो जाऊंगी, देखती हूँ सुष्मिता लोग से मिल पाती हूँ, यार नींद लग जाए तो उठ नहीं पाऊंगी, क्योंकि 12 बजे तक आज शायद नहीं वेट कर पाऊंगी, क्योंकि सुबह आज मैंने बताया था ना जल्दी उठी थी वो जोरहाट जाने के लिए, तो कल मिल लूंगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ, उम्मीद है ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।